हेलो मित्रों, ट्रेसी साहब की बुक में से तीसरा वीडियो डेलीगेशन एंड सुपरविजन। क्या टाइटल है, क्या बोले ट्रेसी साहब? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब क्या है? कभी मैंने भी सुना था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पर होती क्या है, क्लैरिटी नहीं थी। ये बुक पढ़ के ना मेरे को एकदम बढ़िया क्लैरिटी आ गई। ये देखिए स्लाइड को, दिस कॉल्ड हर्सी एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। 50 साल पहले बनाई थी इन्होंने, पॉल हर्सी, केनेथ ब्लैंचार्ड। फाइन, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्वयं ट्रेसी साहब ने दोनों का नाम लिया है। बोले बड़ा प्यारा टूल है। स्टेज 1 नया एम्प्लॉय है, स्टेज 2 ठीक गया, ये कर्व यूं से यूं जाता है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, ये 4 यूं स्टेज ऐसी आई, S1, S2, S3, S4। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन मैच्योरिटी लेवल, ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है। S1, S2, S3, S4 का साइकिल, अलग अलग बंदों का मेंटल लेवल अलग अलग रहता है, कोई बात नहीं, खैर जैसा भी है। अब वो S4 पे आ गया, आपकी मेहनत रंग लाई, आपका एम्प्लॉय S4 पे आ गया, एंजॉय। उसके बाद क्या करना है, बंदा S4 पे आ चुका है, नाउ यू हैव टू मैनेज बाय एक्सेप्शंस। मैनेजमेंट पहले होते क्या, पहले तो पता हो मैनेजमेंट क्या होती है। गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मल्टीपल डेफिनेशन मैं दिया करता हूं मैनेजमेंट के प्रोग्राम में। पहला आता है गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे, लाइक दैट ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है, पूरा दिन बोलता हूँ इसके ऊपर। जब ऐसा होता है, बंदे कहीं हैं, मेरे अपने मैनेजिंग पॉइंट हैं, चेकिंग पॉइंट हैं, MPCPs मेरे पास खुद हैं, अपने हैं, केयर है, मैं किसी को रिपोर्ट भी करता हूँ, मेरा भी कोई सीनियर है, टाइम चाहिए मुझे, पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली भी है, समाज भी है, यारियाँ, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ हैं। सर टाइम लिमिटेड है, क्या करूं? तो टाइम इज प्रेशियस, या फिर क्या करूं, आई हैव टू गेट मोर एंड मोर डन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मुझे अपने MP मैनेजमेंट पॉइंट, मैनेजिंग पॉइंट, चेकिंग पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और फिर जब मैंने कैंडिडेट का, पार्टिसिपेंट का, पर्सन का मैच्योरिटी लेवल देखा, जॉब असाइन की, आई एम रीजनेबली श्योर बंदा कर सकता है, फिर मैं कहता हूं बेटा ठीक है, मेरे पास केवल तब आना जब जब डिफिकल्टी हो, डिले हो, प्रॉब्लम हो, तू ना हैंडल कर सकता हो तब आना मेरे पास, घड़ी घड़ी छोटी छोटी चीज को लेकर मेरे पास आएगा, अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, मेरा भी करेगा। डोंट एनकरेज दिस। कई लोगों को ना बात बात पे शाबाशी लेने की आदत रहती है। कुछ होते हैं जस्ट मैं बॉस के क्लोज सर्कल में बना रहा हूं, या सर मैंने वो कर दिया तो ठीक है यार, कर दिया ना, गुड, दैट्स इट। घड़ी घड़ी आके काहे बताता है, दिन में 4 बार क्यों आता, सर ने SMS वन सेट है, दैट्स इट, वन लाइन मेल वन सेट है, और नो न्यूज इज द बेस्ट न्यूज। फालतू में मेरे डेस्क के चक्कर लगा के ना मेरे से क्लोज होने की कोशिश मत कर यार, मेरे को ऐसे बंदों से बहुत खुंदक आती है। कुछ बहुत ऐसे होते हैं जिनको जूता चाट लोग पसंद होते हैं, पर वो उनकी प्रॉब्लम है, ना मैं खुद रहा हूं ना किसी को रहने देता हूं, दैट्स इट, अपना काम करो भाई, काम धंधा क्लियर है ना, MPCP क्लियर है, जाओ करो। ये फालतू में दरबार लगाने की कोशिश ना करो भाई, जिनको दरबार पसंद है उनके पास जाओ, मेरे को नहीं। ओके, और प्रोग्रेस बताना चाहते हो, सेंड मी अ स्मॉल मैसेज। ओके, अगर प्रॉब्लम है ना, मान लिया है, आधे पेज की रिपोर्ट में बता सकते हो क्या, रामायण मत लिख के लाना, बुलेट पॉइंट में हाफ पेज, वर्ड फाइट बुलेट पॉइंट हाफ पेज भेज दे, फिर हम बात करेंगे, अवेलेबल हूं, फाइन, ना नहीं बोलता हूं, लेकिन घड़ी घड़ी आने की कोशिश ना कर रहा जाए, ये मत जतलाने की कोशिश कर मैं मेहनत कर रहा हूं सर, मुझे मालूम है तू मेहनत के, मेरे को मालूम है तू हार्ड वर्किंग है, ठीक है, यस,
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस. डोंट एनकरेज सच पीपल जो बार 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 आपके डेस्क चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे. मेरे दोस्त सिंपली आपका टाइम वेस्ट करेंगे. आई होप द मैसेज इज क्लियर. थैंक यू.